تعالى. इस वक्त कहां खड़ी है? ये बताओ इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना है? जी हाँ है। ये फोन उनको दे दो। अभी नहीं दे सकते। अभी अभी जी
जितना मैं कहता हूँ उतना करो। साहब दिल्ली से फोन आया, मंत्री साहब ने किया है। क्या है? मंत्री साहब ने फोन किया है। इधर ला, मास्क पहन। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना स्पीकिंग। जी बोलिए। मैं कानून मंत्री। बोलिए सर, क्या बात है? सुना है कि तुमने अभी अभी काली नाम लड़के को गिरफ्तार किया है। हाँ सर, अभी नहीं गिरफ्तार करके। ज्योति सक्सेना, मैं मानता हूँ कि तुम एक सच्ची पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन इतनी गर्म जोशी दिखाना ठीक नहीं। वो लड़का बहुत अच्छा है जिसे तुम पकड़ कर लो, उसे फौरन छोड़ दिया जाए। सर कैसे छोड़ू? ये बात खतरनाक मुझे नहीं, जो पहली बार हाथ लगा है। ज्योति सक्सेना, ये मेरा ऑर्डर है, उसे फौरन छोड़ दिया जाए। जी सर। राम प्यारे, गाड़ी खोल दे। हाँ, गाड़ी खोल दे। शायद इसके पर लाती हूँ कहीं मंदिर का फोन और कहीं नहीं तेरा फूल होगा। बहुत अच्छा इंसान सर। शायद हमको लगते हैं सब मिले हुए हैं। तो ठीक आता है, सब के सब साले मिले हुए हैं। मैं जा रही हूँ, याद दिल फल करना। क्या हुआ मुझे? अरे क्यों मारते हो? जोश में आके होश को बैठे, गुस्सा आ गया तो काली को बांध के मारा। लव यू। अच्छा हुआ? अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। अपनी मौत का दावत दिया। हुसैन क्यों मारते हो? काली एक खतरनाक मुजरी, मगर हमका पाएगा। सुनसान जगह में हमका मार दे, हमारा मेहरिया राण हो जाए। कैसे कैसे? हाँ अरे हम जाएंगे तो का वो विधवा हो? मुशिया अब तो हम ऐसे मर, अब मरने से पहले राम मुंशियन से प्यार करी, प्यार कही के खत्म हो गई। पहले प्यार कह ली गए? अच्छा खत्म ए मुंशियन के प्यार से कहो आई लव यू यार, आई लव यू यार। हिटू। ये क्या है? नफरत। आई लव यू। व्यू नहीं ना, यू। आई लव यू यार। धन्यवाद। Yeah.
देखा भैया क्या आज वो हराम जादा काली पकड़ा गया। तूने सुना वो पकड़ा गया? हाँ भैया, लेकिन ये नहीं सुना कि वो छूट गया है लखनऊ। ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा ही हुआ है। आज मैं जितना तुझसे पूछूं मेरी बात का सही जवाब देना। तू उस दिन इंस्पेक्टर साहिबा को थाने में क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि मेले में काली के साथ मेरा झगड़ा हुआ था और वो हराम ज्यादा मुझे धमकी भी दे रहा था कि इस दुश्मनी का अंजाम वो हमारे परिवार के साथ ठुकरा करेगा। तो यही समझ लखन कि उसने चुकता कर लिया है। बहुत चालाकी के साथ मेरे बाप और मेरी बहन की इज्जत को लूटकर उसने हम दोनों भाइयों से जुदा कर दिया। भैया इस बार उसके ही नाम रिपोर्ट लिखाते हैं। नहीं नहीं लखन, तेरा भाई अब उस कानून की चौखट पर नहीं जाएगा, क्योंकि तू नहीं जानता काली का बाप सिराज प्रताप सिंह अपने आप को बेताज बादशाह समझता है। उसका बेटा जितने भी गुनाह करे उसका बाप उसके गुनाहों पर पर्दा डालता है। आवाज के बाद तेरा भाई उस कानून की चौखट पे नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में जाएगा। अपने इस नाम राम को मिटाकर डाकू बादल सिंह के नाम से मशहूर हो जाऊंगा। जब तक अपने बाप और अपनी बहन का बदला उस काली से नहीं चुका लूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं भैया, मुझे जाना होगा। कसम है अपने बाप और अपनी बहन की एक एक बूंद खून की, जब तक काली को और सिराज प्रताप सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मेरे बाप और बहन की आत्मा को शांति नहीं। बाबू ठोकर साहब हवेली में था। हमने मंत्री को फोन कर दिया है। तो क्या हुआ मालिक? मेरा बेटा काली आता ही होगा। क्या काली भैया जेल से फरार हो गए? ठीक है मालिक, बैठ के इंतजार, बैठ के इंतजार करते हैं। बैठिए मेरी वो तो गलतियां मुझसे तो कुछ लाज नहीं जाता।
मैं तो सुन सकता हूं नहीं सबकी उस आराम जाने में इतनी बड़ी औकात मेरे बेटे को हाथ लगाया बेटा काली और आ रही है।
गीत गाती है। हराम जारी भीड़ा गया अभी तो मैं आपको कुछ कह रही हूं और आपने मुझको गालियां दे दिया, कुछ जरूरी काम पड़ गया है इसलिए मुझे यहां लगाना पड़ा। कहां से काम पड़ गया? सबसे पहले मुझे ये बताओ इस वक्त तुम्हारी मम्मी कहां है? मेरी मम्मी अपनी ड्यूटी पे गई है। इसका मतलब तुम अपने घर पर अकेली हो? हाँ। भी अच्छा है, एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। कहां से काम?